हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ये है, मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करती थी जब मैं वेट लॉस कर रही थी और इस वक्त मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करती हूँ टू हेल्प माय वेट लॉस फास्टिंग के साथ में। तो जब मैंने जनवरी में चालू किया था तब मैंने अपने आप ही डिटर्मिनेशन कर लिया था कि मैं कम से कम 10,000 स्टेप्स जो है ये मुझे पूरे करने ही हैं डेली। तो अगर बारिश हो रही होती थी या फिर मैं मुझे बाहर जाने का मन नहीं होता था तो मैं घर में ही वॉक कर लेती थी। पहले मैं अपने फ़ोन में जो वो पेडोमीटर होता है उसको डाउनलोड करके मैं उससे करती थी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे फिटबिट जो है वो गिफ्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, तो इसलिए मुझे वो गिफ्ट मिला। तो उसके थ्रू मैं ट्रैक करती थी और उसी के थ्रू मुझे पता चला था कि मेरी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छी नहीं है। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये वाला ब्लॉग जो है ये एक्सरसाइज के बारे में, तो हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके अलावा मैं थोड़े बहुत स्क्वाट्स का भी मन हुआ तो कर लेती थी। मुझे डांसिंग करना बहुत पसंद है तो मैं कोशिश करती थी कि अपने रूम में या कहीं भी बस म्यूजिक चला के बच्चों के साथ ऐसे ही उछल कूद करके डांस करें। एक अच्छा तरीका है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम भी थोड़ा सा बच्चों जैसा बिहेव कर लेते हैं। तो डांसिंग करना मुझे बहुत पसंद है, तो हम लोग सब के सब मिल के परिवार जो है हम लोग नाच लेते थे। जो भी जिस भी फॉर्म की एक्सरसाइज आपको पसंद है, अगर आपके पास टाइम है तो आप जिम जाइए, क्योंकि अगर आप हैवी वेट्स करते हैं तो वेट लिफ्टिंग जो है ये आपके फैट लॉस में ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। मगर कार्डियो जो है वो भी आपके एक्सरसाइज का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन वेट लिफ्टिंग के थ्रू आपकी मसल बिल्डिंग ज़्यादा अच्छे से होती है और इसी कारण आपका फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेटेड रहता है। तो इसलिए हमको जो फास्टिंग कर रहे हैं उसमें भी हम फैट को ही टारगेट कर रहे हैं। नाउ इमेजिन अगर आप वेट लिफ्टिंग के साथ में फैट को टारगेट करेंगे तो ये एक आपको डबल इफेक्ट मिलेगा। तो इसलिए अगर आप जिम जाते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, घर पे बैठ के आप एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए। तो जिस दिन मैं बाहर नहीं जा पाती थी तब मैं सूर्य नमस्कार जो है ये करती थी और मैं कपालभाति बहुत ज़्यादा करती थी। तो उसके कारण मैंने देखा है कि मेरा जो पेट है वो उसका जो अराउंड फैट है वो मेरा मेनली कपालभाति के कारण ही गया है। क्योंकि आप अगर कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे आपको एप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी खुद की मसल्स वो वर्क करती हैं आपके लिए। तो इसीलिए आपको वो सिटअप्स एप्रेंटिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना शुद्ध देसी योगा कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं बता रही हूँ, पहले मुझे भी योगा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, डांसिंग एक्सरसाइजेस में ज़्यादा मन लगता था, लेकिन एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना आसान है। योगा के साथ में आप जो जिस भी तरह से हर तरह से बॉडी को बस स्ट्रेच करना है, थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करके रखना है उस स्ट्रेचिंग को और दैट इज़ इट। आपकी बॉडी रेस्ट जो भी कुछ है वो अपने आप ही उस जगह काम कर लेती है। तो आपको कॉन्स्टेंटली इतना सारा एक्सरसाइज जो इतना ज़्यादा कार्डियो ये वो सब चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है। प्लस योगा से आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि इन टर्न बहुत अच्छा है ना। आफ्टर वॉकिंग थोड़ी बहुत मैं वेट जो है मेरे पास 2-2 kg के घर पे रखे हुए हैं, तो जब भी मेरा मन करता है आई डू जस्ट सिंपल एक्सरसाइजेस ऑफ हैंड्स क्योंकि मुझे लगता है मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे जो टारगेट एरियाज हैं, प्रॉब्लम एरियाज हैं जो मुझे लगते थे, मैं उनको बेसिकली जीरो इन करके उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करती थी जब मैं वर्कआउट करती थी घर के अंदर। तो और बहुत ज़्यादा देखा नहीं, 15-20 मिनट का वर्कआउट जो भी मुझे मन करता था मैं बस ऐसे ही खड़े होकर चालू हो जाती थी। आफ्टर 6 मंथ्स मुझे ये बहुत ही अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर मिली और उसके बाद मैंने योगा चालू किया और योगा के को स्टार्ट करने के बाद मुझे एक ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुझे लगने लगी। वेट तो लॉस हुआ था लेकिन एक वो जो टाइटनिंग होती है बॉडी की वो नहीं हुई थी, तो आई वॉज स्टिल लुकिंग बिगर। लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग योगा अपने आप से ही मुझे इंच लॉस दिखाई देने लगा। ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हम लोगों ने योगा कंटिन्यू किया, उसके बाद में फिर ये कोविड चालू हो गया। जितने भी दिन हम लोगों ने योगा किया है इट हैज रियली रियली हेल्प मी। So I would really like to thank my yoga teacher. Because of her, I was able to understand yoga better. मैंने क्या क्या किया, थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग जो भी मैं मेरे पास है उनके थ्रू की मेरे 2 kgs के वेट्स के साथ, मैं थोड़ा बहुत डांसिंग जो है बच्चों के साथ कर लेती थी तो उससे थोड़ी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाती थी। वॉक हमेशा 10,000 स्टेप्स मैंने मेनटेन किया। इसके अलावा
अब जो है मैं ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत आलसी टाइप की हूँ। मुझे अगर बाकी के काम दिख रहे हैं उसमें से मैं अलग से टाइम निकाल के एक्सरसाइज करने नहीं जा पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही थोड़ा बहुत चलना फिरना करती रहूँ। ट्राई टू बी ऑन माई फीट, आई ट्राई टू यू नो मूव अराउंड मोर, ऊपर नीचे जितना जाना है, जितना मैं सीढ़ी चढ़ सकूँ अपनी चेयर से उठ के मैं जो भी कर सकूँ मैं कोशिश करती हूँ करने की। अभी भी मैं प्राणायाम और कपालभाति जो है वो मैं कोशिश करती हूँ करने की। समटाइम्स आई डू सूर्य नमस्कार ऑल्सो, वो भी थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ करती हूँ, लेकिन मेरा ये रेगुलर नहीं है। मगर थ्रू फास्टिंग आई एम स्टिल एबल टू मेंटेन दिस वेट। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जिसमें मैं आपका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर दूंगी। और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। आई वुड लव टू आंसर दैट एंड आई वुड लव टू नेम यू ऑल्सो। अगर मुझे बहुत अच्छा सा कुछ क्वेश्चन लगता है जो कि मुझे लगता है कि ये ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा फास्टिंग के लिए और सब लोगों की जानकारी के लिए और शायद मैंने कवर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर लूँगी। और चलिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के साथ में। तो टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।